हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि वर्कआउट क्या होने वाला है। तो आज का वर्कआउट होने वाला है हमारा चेस्ट मसल को जल्दी ग्रो करने के लिए। आज एकदम हार्ड ट्रेनिंग करेंगे हैवी वेट के साथ, जिससे आपकी मसल जल्दी ग्रो करेगी। इसको ट्राई करना, अच्छा वर्कआउट है बहुत ज़्यादा। आपका पंप भी बहुत अच्छा आएगा, मसल भी बहुत जल्दी ग्रो करेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्कआउट। So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really. हमारे को 4 सेट लेने हैं, 12 to 15 रैप के। बस हो गए हमारे पुशअप। इसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। स्टार्ट कर रहे हैं बैंड फ्लैट बेंच प्रेस से। अभी हमारा लाइट वेट है, इसलिए आपको 4 सेट लगाने हैं 15-12 रैप के। धीरे धीरे हैवी करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बार को फैलाते पूरे स्क्वीज करें ऊपर की तरफ, जिससे मसल पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो लगाते हैं अपना हैवी वेट का, ये लगाते हैं, देखते हैं इसके कितने रैप निकल सकते हैं। 10 तो मैक्स लगाने हैं। और हैवी वेट के साथ साथ अपने साथ में सपोर्टर जरूर रखें अगर हैवी वेट लगा रहे हैं तो। स्टार्ट करते हैं। अगली एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइन बेंच प्रेस। हैवी वेट लगा रहे हैं तो अपने साथ हेल्पर जरूर रखें। स्टार्ट करते हैं। मैक्स देखते हैं कितने रेप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी इनलाइन बेंच प्रेस। सारी एक्सरसाइज हम लाइट वेट से चालू कर रहे थे, लाइट वेट पे वो हम हमारा हो चुका था, वो हैवी वेट से चालू कर रहे हैं सीधा, इसलिए आपको 4 मिनट लगाएंगे। They just don't know what it takes to be seen. You see the ship take control of your team. And if you're alone, then a one-man army. So you better be starving, and you better be carving. Through the hate, keep marching, and every day keep charging ahead till you get what you want, what you dream. Regret is a thing of the past, and you'll see that you always had it inside. It's the key to make the most of this life of lead. No, we never sit still. मिडल टारगेट चेक कर चुके हैं, इसको हम लोअर टारगेट कर रहे हैं। एक एक करके तीनों को टारगेट करेंगे। अगली एक्सरसाइज हम लोग पहले जा रहे हैं कैट फ्लाई, जिसको कुछ लोग कहते हैं बटरफ्लाई भी। जैसे आपको पोजीशन भी बताऊँगा, चेस्ट बाहर
टाइप के वेट अपने अकॉर्डिंग करके। इसमें भी हम लोग केबल फ्लाई पे फर्स्ट सेट है, बहुत हमारा हो चुका है सारे एक्सरसाइज बिल्कुल तो लाइट वेट के साथ ले लिया था हमने स्टार्टिंग में। अब हम लोग लाइट वेट से चालू करते हैं जैसे आपको बताया था। इसके बाद हम लगाएंगे पुशअप, वो हमारी लास्ट सेकंड है जो कि और पुशअप में आप कितने रेप लगा सकते हो कितने रेप निकाल सकते। लास्ट वर्कआउट हम कर रहे हैं पुशअप, जितना निकाल सकते निकालो, ट्राई कर सकते जितने निकाल सकते हैं उतने निकालते हैं, देखते कितने निकलते हैं। उसके बाद आपको चार सेट लगाने हैं। ट्राई करो इस वर्कआउट को मसल बिल्ड के लिए, बहुत अच्छा वर्कआउट है ये। तो आज का हमारा वर्कआउट था वो था हमारा चेस्ट मसल को गेन करने के लिए। इस करें इसको इस एक्सरसाइज को लेके आपको धीरे धीरे हर चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, मसल गेन होगी धीरे धीरे करके। और अपनी डाइट को भी मेनटेन रखें, 30% एक्सरसाइज है 70% आपकी डाइट है, तो डाइट को जरूर मेनटेन रखें। और जिसको डाइट चाहिए, बद्री भैया ने पिछले वीडियो में डाइट बताई थी उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाइट प्लान देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो आएंगी, तो इसलिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।